मेरी छोटी सी दुनिया में मेरा सब कुछ तुम हो। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोशल मीडिया की सबसे हॉट इन्फ्लुएंसर सोफिया अंसारी के बारे में। सोफिया एक फिटनेस मॉडल और डांसर भी हैं। उनका बोल्ड लुक और डांस स्टेप लोगों को बहुत आकर्षित करते आए हैं, इसीलिए वो इंटरनेट पर बहुत तेजी से फेमस हुई। सोफिया की दो तरह की ऑडियंस है, एक प्यार करने वाली और एक उनके कपड़ों और लुक्स को लेकर ट्रोल करने वाली। लेकिन कुछ भी हो, सोशल मीडिया पर हाल ही में सोफिया को बहुत प्रसिद्धि मिली है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले जान लीजिए, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम इस वीडियो में सोफिया की लाइफ और जर्नी तो जानेंगे ही, साथ ही जानेंगे उनके बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें, इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू से बात करते हैं। सोफिया अंसारी का फुल नेम सोफिया सहला अंसारी है। सोफिया का जन्म 30 अप्रैल 1990 को बंगाल की एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। सोफिया के जन्म के कुछ सालों बाद वो और उनका पूरा परिवार बड़ोदरा गुजरात शिफ्ट हो गया। सोफिया के पापा बंगाली हैं और उनकी माँ बिहारी, इसीलिए हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा भोजपुरी और बंगाली बोली पर भी सोफिया की अच्छी पकड़ है। सोफिया को बचपन से ही डांस करने का बहुत शौक था और जब से वो समझदार हुई तब से ही उनकी चाह एक मॉडल बनने की रही। सोफिया ने अपनी शुरुआती स्कूली पढ़ाई बंगाल से की और बाकी की बड़ोदरा के रियान इंटरनेशनल स्कूल से। स्कूलिंग के बाद सोफिया ने बड़ोदरा से ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। डांस का शौक और फैशनेबल होने के बावजूद भी सोफिया पढ़ाई में हमेशा अच्छी स्टूडेंट रही। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सोफिया अपने कॉलेज से वापस आकर डांस किया करती थी। सोफिया ने डांस की कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली है, उन्होंने टीवी और इंटरनेट पर ही देख देख कर डांस सीखा है। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद सोफिया ने अपनी मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। साल 2018 में सोफिया ने फेमस होने के इरादे से नहीं, ऐसे ही टाइम पास के लिए एक वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट कर दी। उनके पहले वीडियो पर कुछ लाइक्स और कमेंट आए जिससे उन्हें बहुत अच्छा फील हुआ। फिर उन्होंने और भी वीडियो टिकटॉक पर पोस्ट की। उनके वीडियो वायरल तो नहीं हो रहे थे, लेकिन रिस्पांस जैसे कमेंट और लाइक्स से उन्हें मोटिवेशन मिलती रही और फिर सोफिया लगातार डांस और लिप सिंक के वीडियो पोस्ट करती रही। बैगन भरता बहुत पसंद था इनको, माँ बैगन लेने गई है, बैगन भरता खाए बगैर चला गया। साल 2019 की शुरुआत में उनके कुछ वीडियो वायरल हो गए और वहीं से वो टिकटॉक और इंटरनेट पर फेमस होना स्टार्ट हो गईं। 2019 के जनवरी में उन्होंने 100 के फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए और उसके बाद वो टिकटॉक पर तेजी से ग्रो करने लगी। उन्होंने पहले 1 मिलियन, फिर 2 मिलियन, फिर 3 मिलियन और जून 2020 तक उन्होंने 5 मिलियन टिकटॉक फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए थे। वो तेजी से फेमस हो रही थीं और फैंस के साथ तेजी से उनके हेटर्स और ट्रोलर्स भी बढ़ रहे थे, लेकिन सोफिया सिर्फ लोगों का प्यार देखती थीं। उन्होंने बैड कमेंट और नेगेटिविटी को हमेशा इग्नोर किया। जून 2020 को इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टिकटॉक इंडिया से बैन कर दिया गया और इसीलिए सोफिया के वीडियो आना बंद हो गए और उनकी प्रसिद्धि भी इंस्टाग्राम पर सीमित रह गई। दोस्तों, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, हम आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। टिकटॉक बैन होने के बाद एक बार को सभी शॉर्ट वीडियो क्रिएटर उदास हो गए, लेकिन जल्द ही कई शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गए और सोफिया ने MX टकाटक पर अपने वीडियोस पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। टकाटक पर शुरू से ही उन्हें अच्छा रिस्पांस मिला और उनके वीडियो वायरल होते चले गए और इसी बीच इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म रील्स भी लॉन्च हो गया। सोफिया वहां भी अपने वीडियो पोस्ट करने लगी। सोफिया के बोल्ड अवतार वाले वीडियोस लोगों को तेजी से जोड़ते चले गए, लेकिन प्रसिद्धि के साथ साथ उनके खिलाफ
YouTube पर काफी रोस्ट वीडियो भी बने, जिसके बाद उनकी हेटर्स की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। लोग उनके कैरेक्टर और बॉडी पार्ट्स को लेकर गंदे गंदे कमेंट करने लगे। जब ये सब बहुत ज्यादा हुआ तो सोफिया मेंटली रूप से बहुत डिस्टर्ब हो गई। वो कहती हैं, मैं वीडियो बनाती हूँ, अगर किसी को पसंद नहीं है तो फॉलो ना करे, ब्लॉक कर दे, लेकिन इतनी नफरत और नेगेटिविटी की क्या ज़रूरत है। कुछ टाइम मेंटली डिस्टर्ब रहने के बाद सोफिया की समझ में आ गया कि भद्दे कमेंट, रोस्ट और ट्रोल करने वालों को इग्नोर करना है। इन लोगों का उद्देश्य साफ है, नफरत करके लाइक्स और व्यूज कमाना। और फिर इन सबको इग्नोर करके सोफिया अपने काम में लग गई। रोस्टर्स से भी सोफिया की प्रसिद्धि ही बढ़ी। पहले वो इंस्टाग्राम और टकाटक पर ही फेमस थीं, पर रोस्टर्स ने उन्हें इंटरनेट के हर प्लेटफॉर्म पर फेमस कर दिया। अभी सोफिया के इंस्टाग्राम पर लगभग 5 मिलियन फॉलोवर्स और एमएक्स टकाटक पर 20 मिलियन प्लस फॉलोवर्स हो चुके हैं, और ये फॉलोवर्स तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा सोफिया का एक यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर वो ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहती, पर वीडियो डालती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं सोफिया के बारे में और भी कई इंटरेस्टिंग बातें। सोफिया कुछ म्यूजिक वीडियो में भी काम कर चुकी हैं और आगे भी उनके कई म्यूजिक वीडियो आने वाले हैं। सोफिया लोगों के बारे में कहती हैं कि मेरा कैरेक्टर लोगों की सोच पर डिपेंड करता है, जैसी जिसकी सोच है उसके लिए मैं वैसी ही हूँ, मेरे चाहने वाले मेरे साथ हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन जब वो नेगेटिविटी से ज़्यादा परेशान हो गई थी, तब लिखा था कि मुझे जीने का कोई हक नहीं है क्योंकि मैं लड़की हूँ, ऐसा क्यों, क्या फ़ायदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, जब बेटी अपनी लाइफ जीने लगती है तो कुछ लोगों से देखा नहीं जाता। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। बात करें सोफिया की हॉबीज़ की, तो उन्हें डांस करना, ट्रैवल करना, पेंटिंग करना, एक्टिंग और फैशनेबल कपड़े पहनना पसंद है। सोफिया वैसे तो वर्ल्ड टूर करना चाहती हैं, पर उनकी फेवरेट सिटी पेरिस है, जहाँ वो सबसे पहले जाना चाहती हैं। सोफिया जल्द ही बड़ोदरा से मुंबई शिफ्ट होने वाली हैं। सोफिया अपनी फिटनेस और ग्लोइंग स्किन का राज बताती हैं कि वो बहुत कंट्रोल डाइट लेती हैं, बहुत पानी पीती हैं, साथ ही अच्छी नींद और एक्सरसाइज किया करती हैं। सोफिया के फेवरेट बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान हैं और उनकी फेवरेट बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा हैं। सोफिया को डांस का इतना शौक है कि वो गुजरात में होने वाले नवरात्रों में गरबा डांस में भी हिस्सा लिया करती हैं। सोफिया के लिए उनकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट उनकी फैमिली और उनके फ्रेंड्स हैं। बात करें सोफिया के रिलेशनशिप स्टेटस की, तो वो फिलहाल सिंगल हैं। वो बोलती हैं कि मेरे टाइप का अभी कोई मुझे मिला ही नहीं। सोफिया की हाइट 5 फीट 5 इंच और उनका बॉडी वेट लगभग 58 kg है। पिछले कुछ दिनों में सोफिया ने ट्रोलर्स और हेटर्स को रिप्लाई किया। जो लोग उनके कपड़ों पर बोलते हैं, उनसे सोफिया ने कहा कि मेरे जैसे कपड़े पहनने के लिए बॉडी बनानी और मेंटेन करनी पड़ती है, मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ वो लड़कियों के पहनने के ही होते हैं, लड़कियों के लिए ही बनाए जाते हैं, मैं बचपन से ही शॉर्ट्स पहनती आई हूँ, मेरी फैमिली मुझे इस चीज़ की इजाज़त देती है, अगर आपको नहीं पसंद है तो अनफॉलो और ब्लॉक भी कर सकते हैं, मैं इस प्लेटफॉर्म पर अपने चाहने वालों के लिए वीडियो बनाती हूँ। लड़कियाँ सिर्फ किचन में अच्छी लगती है और ऐसा बोलने वाले सिर्फ गटर में। आपसे ज्यादा घटिया आदमी हमने देखा नहीं, हम आपको बताए दे रहे हैं। क्या है अब लैंग्वेज भाई साहब, आपकी बहुत गंदी है, सुधारिए इसको थोड़ा। और कैसे कह दूं अपना तुमको जब मुसीबत में साथ खड़े नहीं हुए तुम, अरे कैसे कह दूं अपना तुमको जब मुसीबत में साथ खड़े नहीं हुए तुम और मेरे कंधे पर हाथ रखोगे, बेटे भी इतने बड़े नहीं हुए तुम। तो फ्रेंड्स, ये थी लाइफ स्टोरी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मॉडल सोफिया अंसारी की। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। सोफिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो एंड तक देखा है तो वीडियो पर अपना रिस्पांस जरूर दें, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं और हर एक कमेंट हमारे लिए बहुत वैल्यू रखती है। साथ ही अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर फॉलो करें।
ना जाने लोग हमेशा क्यों बेहतर की तलाश में बेहतरीन को खो देते हैं। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक्स। हमारी हर अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।